उतारे थे उन्होंने। ये बड़ी खबर है, आरजेडी को बिहार में 6 से 7 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को इससे भी बड़ा झटका, 1 से 2 सीटों पर। यह बड़ी खबर है और तमाम चर्चाओं के बीच में हमारे साथ सुब्रत पाठक जुड़े हुए, जो कि कन्नौज सांसद हैं। सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, इस बार जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उससे क्या उम्मीदें हैं, रिजल्ट से क्या उम्मीदें हैं आपको? सुब्रत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आपको बता दें कि दोबारा सब उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर है बिहार को लेकर। बिहार में वाकई में भारतीय जनता पार्टी पे या कहा जाए कि एनडीए गठबंधन को यह बहुत बड़ी सफलता है। एलजेपी की 500 सीटें रिपीट होती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ आना, ये एनडीए गठबंधन के लिए बिहार में एक बार फिर से वही स्थिति होती दिखाई दे रही है जो इसके पहले थी। हालांकि 4-5 या 7 सीटों का कहा जा रहा है कि आरजेडी को फायदा यहां पर हो सकता है, बिल्कुल पिछली बार सिमट गई थी। तो ये जरूर है कि नीतीश कुमार को साथ में लाने का भारतीय जनता पार्टी को या फिर एनडीए गठबंधन को यहां पर बेनिफिट इस वक्त दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर है बिहार में 500 सीटों पर एलजेपी का कब्जा होगा, लेकिन आरजेडी को 6 से 7 सीटें मिलेंगी, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उससे बिल्कुल इतर है। कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो 7-8-9 सीटों का डेंट यहां पर जरूर है, लेकिन एक ओवरऑल जो दक्षिण भारत में कवरेज बेहतर दिखाई दे रही है, यहां से अगर कुछ कम होता दिखाई दे रहा तो वहां देखिए मेकओवर होता। और देखिए, मेरे ख्याल में गलत नहीं हूं संजय, तो शायद बिहार ही एक ऐसा राज्य जहां पर अब तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बना रहा। ये बिल्कुल सही है कि वहां मुख्यमंत्री कोई नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक रहे। लेकिन देखिए, ये जो बीच में बिहार की सियासत भी आपने समझी होगी, जो वहां पर टूट फूट की राजनीति, आप कह लीजिए जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो कह लीजिए, इन सब के बाद बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि देखिए इस बार नंबर जो है वो उनके खेमे में आएंगे, उनके साथ आएंगे। और शायद वही इस बार भी हुआ, क्योंकि बीजेपी ने पूरा फोकस बिहार पर भी कर रखा था। साउथ के पर हमने बात की, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें विशेष तौर पर, तो वहां पर भी बिहार को समझते हुए और एक बहुत ही अच्छा मौका मिला जब नीतीश कुमार ने जो आरजेडी है उनका साथ छोड़ा, तो ये बताया गया, ये नैरेटिव सेट किया गया कि आरजेडी जो है वो बिहार की जनता के लिए नहीं, वो सिर्फ सत्ता के लिए, अपना लाभ उठाने के लिए, लाभ पाने के लिए। बताता हूं इसमें एक चीज और, इसमें बताता हूँ इस सवाल का जवाब दूंगा सचिन, की वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि असल में आरजेडी मुकाबले को कितनी टफ बना सकती है, उसके बाद क्या रणनीति अपनाएगी, और उसका परिणाम इस नंबर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रियंका जी हमारे साथ बनी है। प्रियंका जी, बिहार के भी आंकड़े इस वक्त सामने आ गए हैं इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया का, जिसमें हालांकि इस पिछली बार 40 में से 39 आप लोगों के खाते में थी, लेकिन इस बार 7 से 9 सीटों का एक फासला होता दिखाई दे रहा है। कैसे इसको देखती है, क्या ये वाकई में डेंट के तौर पर कह सकती है, या फिर जो नीतीश कुमार नहीं जब आपके साथ थे और नीतीश कुमार के आने के बाद की स्थिति में बहुत सुधार के ये नंबर है? देखिए, निरंतर जिस तरीके से राजनीति में उतार चढ़ाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक बहुत बड़ा चेहरा है इस देश के प्रधानमंत्री का, उसका जो उसकी जो लोग कह रहे थे इस बार की अब मोदी की आंधी नहीं है, लहर नहीं है, मुझे लगता है कि इस बार तूफान आने वाला है। और मोदी जी जिस तरीके से उनके चेहरे को लोग इतना प्यार देते हैं, उनके काम को और उनका जो मॉडल है कार्य करने का, उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि जहां जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे भी लोग चाहते हैं कि हमें मोदी जी का संरक्षण मिले ताकि हमारा भी विकास हो। तो विकास डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं लड़ रही है, जनता भी लड़ रही है, क्योंकि जनता हर तरीके से चाहती है कि उनका विकास हो। प्रियंका जी, लगभग 1 घंटे पहले तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने लिखा कि जीत रहा है इंडिया, जीत रही है जनता, जनता का एग्जिट पोल 295+। जब ये मीटिंग हुई थी, जब इंडिया गठबंधन की उसके बाद चर्चा हुआ, उसके बाद एक स्टेटमेंट जो है वो पास किया गया, वहां का कहा गया कि 295 सीटें जो है इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रही है, लेकिन इन सब से इतर हम देखें तो बढ़त तो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या आप ये मान रही हैं कि
जो कुछ भी मेहनत पीएम नरेंद्र मोदी ने की और तमाम बड़े चेहरों ने की उसका ही इंपैक्ट है, या फिर जो लहर लगातार देखने को मिल रही थी, जिस लहर को नकार रहा था विपक्ष, उसका असर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपने काम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दूसरी बात ये कि जी जान से पूरे भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल का कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक क्षेत्र में लगातार जो लगे रहते हैं, वो सिर्फ चुनावी दाव पेच नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी की। प्रियंका जी, एक सेकंड आप रोकना चाहेंगे, एक और सर्वे इसी बीच में है सचिन, सीरियस का सर्वे है बिहार को लेकर, सीरियस एग्जिट पोल का, इसमें वाकई में एक बहुत अच्छा नंबर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खाते में, 30 से 36 सीटें इस वक्त एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही, यानी पिछली बार 39 था और इस बार हो सकता है कि 2-3 सीट का फासला, हालांकि ये नंबर है, लेकिन उस पूरे एक तरह से कहा जाए कि परफॉर्मेंस को दोहराती दिखाई दे रही है एनडीए इस वक्त। प्रियंका जी, इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ कि विपक्ष तो लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी कर ही रहा है और अपनी लहर बता रहा था, और विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि मोदी जी की लहर नहीं है, पहले की तरह लहर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब शुरुआत में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब बागडोर संभाली भारत की, तो उस समय जनता ने ये समझा कि डेवलपमेंट होता क्या है और डेवलपमेंट की रफ्तार क्या होती है। ऐसा है कि जिस तरीके से 60 सालों में कार्य हुआ और 10 सालों में जिस तरीके से कार्य हुआ, वो रफ्तार को अब लोग समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं। और मैंने कहा तो कि वो जो लहर शुरू हुई थी, अब वो तूफान में परिवर्तित हो चुकी है और लोग लालाए हैं कि जब वापस से प्रधानमंत्री शपथ लें तो अब नए तरीके से और भी तेज गति से। ठीक है कीर्ति जी, हमने तो इस चुनावी समर में देखा किस तरीके से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ मंच पर हाथ पकड़े हुए दिखाई दिए कि हम एक साथ हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि उत्तर प्रदेश के 2 शहजादे, तमाम जो बिहार के 2 लड़के हैं वो इस वक्त निकल चुके हैं चुनावी समर में सीट हासिल करने के लिए, लेकिन एग्जिट पोल जो आंकड़े अब तक सामने आए, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो हमने देख लिया बिहार में 30 से 36 सीटें एनडीए के पास जा रही है। देखिए, बिहार के जो अलग अलग सर्वे आप दिखा रहे हैं, अभी एक सर्वे में आप बिहार में 13 से 15 सीट दिखा रहे थे, 9 से 11 जेडीयू दिखा रहे थे, 5 एलजेपी दिखा रहे थे, 7 सीट लगभग आरजेडी को, 1 से 2 सीट कांग्रेस को दिखा रहे थे। जी। एक तो बात तो तय है कि बिहार में जो आरजेडी 0 पे थी उसका ग्राफ बिहार में बना। और फिर मैं एक बात कहूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों के वोटा परसेंटेज कहां है दोनों पार्टी, वोटा परसेंटेज मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार में कम से कम 50-50 का आंकड़ा रहेगा। आप देखिएगा एग्जिट पोल आने दीजिए 4 जून को, दोनों 50-50 पे रहेंगे। नहीं सर, एनडीए गठबंधन जितना कॉन्फिडेंट आप लोग थे जी कि हो सकता है कि यूपी में सीटें कम बीसी हो जाएं, लेकिन बिहार इस बार बिल्कुल अलग मैंडेट देने जा रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, ये एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर थी या बहुत अच्छा नंबर? अच्छा ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, झारखंड की 14 सीटों का एग्जिट पोल है इंडिया टुडे एक्सेस वाइज। इंडिया की तरफ से आपको बता दें, बीजेपी को झारखंड में 8 से 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही, झारखंड में कांग्रेस को महज 2 से 3 सीटें, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि CPIM यानी कि लेफ्ट को यहां पर झारखंड में 203 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, और झारखंड की 14 सीटों का ये एग्जिट पोल इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड वो राज्य है जहां पर सोरेन परिवार का दबदबा, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बेहतर नंबर, बेहतर ये मार्जिन वहां आगे बढ़ती हुई। वहां तो जो जंग है वो सोरेन वर्सेस सोरेन में भी देखने को मिला था, लेकिन जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, वो जो एक कह लीजिए कि जो फिल्मी स्टाइल में जब हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली से झारखंड, झारखंड से दिल्ली जो है वो कर रहे थे, उस वक्त भी तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही थी कि इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सिंपैथी वोट जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं सोरेन परिवार को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है वहां पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पर सोरेन परिवार का तो खाता खुल